के रहना थोड़ा सहना लगा देना ये नारा तकदीर क्या है चार अक्षर एक लफ्ज और बहाना चीर के जो चट्टान को तोड़े लिख जाए अफसाना। क्रिकेट कोई लिंग जाति या धर्म पर आधारित नहीं, ये भावनाओं का खेल है और इसके चलते EOR टीवी मीडिया आपके लिए ड्रामा सस्पेंस और बहुत कुछ सहित अंतिम क्रिकेट अनुभव लेकर आया है। इस वेब सीरीज का सीधा एक उद्देश्य है कि दुनिया भर में सबसे पसंदीदा खेल के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। दीपक पांडे के निर्देशन में बनी इस सीरीज में कई युवा युवतियां स्टार कास्ट के रूप में शामिल है। खुशी की बात यह है कि इसमें अपने शहर मुरादाबाद के कुछ युवा क्रिकेटर्स सहित श्रीकांत शर्मा, यश शुक्ला, शिवादित्य, रोहित कुमार आदि ने भूमिका निभाते हुए काम किया है। इसी क्रम में नेगेटिव लीड रोल में काम कर रहे श्रीकांत शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, मेरी वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम द गेम ऑफ द सेक्सेस है। उसमें बेसिकली क्रिकेट के थ्रू हम लोग ये प्रमोट करना चाह रहे हैं कि हर जेंडर को वही एक इक्वालिटी मिलनी चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान को मिलती है। क्रिकेट एक इमोशन है, एक रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड गेम नहीं है। हमने वही चीज़ दिखाई है, इसमें LGBT कम्युनिटी को हमने एम्पावर करने की कोशिश करी है। जी, वेब सीरीज ये बेसिकली मुंबई के आर्टिस्ट हैं, बहुत जाने माने लोग हैं, इन्हें आप डे टू डे लाइफ में हाउसवाइफ्स वगैरह लोग हम सीरियल्स में देखते हैं, जैसे विंध्या तिवारी जी हैं, स्नेहा वाघ हैं और ईशानी शर्मा जी हैं और शाहबाज खान जी हैं, वो फिल्म्स वगैरह में आते रहते हैं आपका। जी, ये इसका फर्स्ट पार्ट तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन जिस पार्ट में मैं फीचर कर रहा हूँ वो कल लॉन्च होगी शाम को 6:30 बजे 9th of January इनके EOR TV मीडिया चैनल पर। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे देखें और बहुत प्यार दें, सपोर्ट करें, और ये हमें इससे यही आगे को सीखने के लिए मिलेगा कि ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है जो आगे जाके लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस चीज़ की। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 9 जनवरी को रिलीज हो रही ये वेब सीरीज क्या धमाल मचाती है, या यूं कहें कि आखिर किस तरह लोगों पर अपनी सकारात्मक छवि छोड़ जाती है।